हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईके एजुकेशन। तो आज हम हमारा 12th स्टैंडर्ड का यूनिट नंबर 7 में से चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यूनिट के स्टार्टिंग में आपको दो साइंटिस्ट के बारे में डाटा गिवन है। मैं अगर आपको ये डाटा नोट्स के फॉर्मेट में अभी लिख के देता हूँ तो थोड़ा सा टाइम चले जाएगा या फिर वीडियो हमारा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ की वजह से मैं आपको ओरली डाटा बता देता हूँ, आप डाटा नोट कर लीजिए आपके बुक्स में या फिर नोटबुक में। ठीक है, देखिए दो साइंटिस्ट मतलब कौन से आए थे, जेम्स वाटसन आए थे एंड फ्रांसिस क्रिक आए थे। जेम्स वाटसन वॉज बॉर्न इन 1928 एंड फ्रांसिस क्रिक वॉज बॉर्न इन 1916। एनसीईआरटी में ऐसा बहुत सारा यही सभी डाटा गिवन है स्टार्टिंग में, बट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। जेम्स वाटसन वॉज बॉर्न इन 1928 एंड फ्रांसिस क्रिक वॉज बॉर्न इन 1916। ठीक है, अब देखिए जेम्स वाटसन ही कंप्लीटेड हिज डिग्री ऑन स्टडिंग द एक्सरेज ऑफ बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन। जेम्स वाटसन ने स्टडी किस चीज़ में मतलब उनकी डिग्री किस चीज़ में कंप्लीट की, एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद फ्रांसिस क्रिक कंप्लीटेड हिज पीएचडी डिग्री इन 1954। जेम्स वाटसन ने कब कंप्लीट की थी, 1950s में उनकी पीएचडी डिग्री कंप्लीट की थी। किस पे, स्टडी करते हुए एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन। फ्रांसिस क्रिक ने कब कंप्लीट की, फ्रांसिस क्रिक कंप्लीटेड हिज डिग्री इन 1954, मतलब जेम्स वाटसन के 4 साल आगे। ऑन स्टडिंग द एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन दोनों ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इन्होंने रिप्लिकेशन की स्कीम भी दी थी एंड प्रपोज रिप्लिकेशन स्कीम। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, इन दोनों को मतलब प्राइजेस मिले थे इनके काम पर। ठीक है, तो सबसे इनको पहले इन दोनों को सबसे पहला प्राइज मिला जॉन कॉलिन वार्नर प्राइज। इसकी स्पेलिंग्स या फिर आपको एनसीईआरटी में मिली जाएंगी, जॉन कॉलिन वार्नर प्राइज इन 1959 में। सबसे पहले 1959 में कौन सा मिला, जॉन कॉलिन वार्नर प्राइज। उसके बाद मिला इनको लास्कर अवार्ड इन 1960s में। उसके बाद इनको मिला आरसीपी रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज इन 1962 और उसके बाद मिला इनको नोबल प्राइज, वो भी इनको मिला 1962 में। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को नोबल प्राइज एंड रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज एक ही साल मिला, मतलब सेम ईयर में मिला 1962 में। लास्कर अवार्ड 1960s में, जॉन कॉलिन वार्नर प्राइज 1959 में। ठीक है, अभी आपको याद हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अभी हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस स्टार्ट करने के बाद देखिए मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर है, मतलब मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए। मैं इस फॉर्मेट में आपको लिख के क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको नोट्स बनाने मतलब नोट्स में खुद ही बना कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इस लेसन में इस चैप्टर में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई प्रॉब्लम आपको जाना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ की वजह से मैं आपको नोट्स पहले ही बना के दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का फुल फॉर्म आप बता सकते हो, डीएनए का फुल फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट ऐसा इसके साइड में लिख लीजिए, आरएनए में देखिए, इन सम वायरसेस, आपको पता है वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा आरएनए, इज अ जेनेटिक मटेरियल, क्या आप आरएनए का फुल फॉर्म बता सकते हो? आरएनए का फुल फॉर्म है हमारा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए दोनों भी, डीएनए नोट्स लिख लीजिए, पर मैं आपको नोट्स लिख के दे इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको नोट्स लिखने, नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। डीएनए एंड आरएनए आर दो, डीएनए एंड आरएनए क्या है? डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, अभी हमने बताया था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोस्ट ऑफ देम में क्या है, डीएनए एंड वायरसेस में आरएनए, डीएनए एंड आरएनए आर द क्या है, न्यूक्लिक एसिड, आर द टू टाइप ऑफ ऑफ आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डीएनए एंड आरएनए ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, डीएनए एंड आरएनए किस चीज से बने होते हैं हमारे, ठीक है, मैं आपको ये पॉइंट रफ करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, हमारा जो है एंड आरएनए, ये बने किस चीज से होते हैं, अभी देखिए, डीएनए एंड आरएनए किस चीज से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड है क्या, न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर, मतलब क्या, ये अकेला है न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके क्या बनाते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके डाइन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, एंड इसे हम बोलते हैं डाइमर, मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर। अब पॉलीमर मतलब क्या, पॉली न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके क्या बना रहे, एक चेन बना रहे, उसे हम कह रहे हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, डीएनए एंड आरएनए उसी पॉली न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, कॉन्स्टिट्यूट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड
कंस्टिट्यूट क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंस्टिट्यूट द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए को बनाने वाले कौन है हमारे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। आपको नोट्स लिख के दे रहा हूँ, ये नोट्स आप बनाए, मेरे मतलब मैंने दिए वाले नोट्स लिखिए, खुद मत बनाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा मेरे नोट्स पढ़ने से, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किस, डीएनए और आरएनए को कौन बना रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है, हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है। न्यूक्लियोटाइड कौन, न्यूक्लियोटाइड क्या बना रहा है, डायन्यूक्लियोटाइड। डायन्यूक्लियोटाइड क्या बना रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, एक चेन है, दो चेन मिलकर क्या बना रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन मिलकर क्या बनाती है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है, जो हमारा ये प्रोसेस बना, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहा है, ठीक है। पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जो लोग रिपीटर है उनको तो ये पहले से ही पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, डायन्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। हमारा टॉपिक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बना किस चीज से होता है, मेड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। तीन कंपोनेंट से, वो तीन कंपोनेंट कौन से, फर्स्ट हमारा नाइट्रोजिनस बेस, बेस। सेकंड हमारा है पेंटोज शुगर, पांच कार्बन का शुगर। थर्ड हमारा है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटो शुगर, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटो शुगर, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब तीनों को कंबाइन में क्या बोलते हैं, मतलब अगर न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड बोला तो नाइट्रोजिनस बेस पेंटो शुगर आएगा, न्यूक्लियोटाइड बोला तो नाइट्रोजिनस बेस पेंटो शुगर फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाले तीनों है, ठीक है, तीनों। अभी इनका ये इनकी फिगर, इसकी फिगर मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड की फिगर कैसे होती है, ठीक है। उससे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए नोट्स के अंदर, ठीक है। हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरिमिडिन्स। ठीक है, एक हमारा होता है प्यूरिन, एक होता है हमारा पाइरिमिडिन। अब देखिए प्यूरिन और पाइरिमिडिन्स के डिफरेंस क्या है, देखिए ये पॉइंट नोट्स में जरूर लिख लीजिए, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स का। बेसेस हमारे पास चार टाइप के होते हैं, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ये हमारा डीएनए होगा तो ही होगा, मतलब डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है एंड थायमिन के जगह पर बस एक ही जगह रिप्लेस हो जाती है, वहां पर आ जाता है यूरेसिल, ठीक है।
बेसिस हमारे पास कितने, चार टाइप के होते हैं ठीक है, डीएनए हो या फिर आरएनए हो। अगर आरएनए हो बता देता हूँ ठीक है, प्यूरिन्स, प्यूरिन्स को याद रखने का फॉर्मेट क्या है, प्यूरिन्स होता है हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर। कैसा होता है हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या आते हैं, फर्स्ट हमारा आता है एडिनाइन, एडिनिन, सेकंड हमारा आता है ग्वानिन ठीक है। पाइरिमिडिन्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, बच्चे पूछे प्यूरिन्स को याद करने का फॉर्मेट, प्योर एज गोल्ड, प्योर एज गोल्ड, एज से एडिनाइन, गोल्ड से ग्वानिन, प्योर से प्यूरिन। पाइरिमिडिन्स में बचे कुछ है एडिनिन ग्वानिन, अब हमारा आएगा साइटोसिन, साइटोसिन साइटोसिन, उसके बाद हमारा थायमिन आएगा, उसके बाद हमारा थर्ड आएगा यूरेसिल। यूरेसिल कब प्रेजेंट होगा, इफ आरएनए, अगर आरएनए हो तो, इफ आरएनए। पाइरिमिडिन हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है ठीक है, ये नोट कर लीजिए, प्यूरिन डबल रिंग, पाइरिमिडिन सिंगल रिंग, आगे जाके कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है। साइटोसिन, साइटोसाइन ठीक है, डबल रिंग यानी दो रिंग होते हैं इस तरह से, इस तरह से डबल रिंग्स होते हैं ये हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन्स का। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बोला तो इसमें से एक रिंग गायब हो जाएगी, सिंगल रिंग ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से एक फिगर दिखाऊंगा न्यूक्लियोटाइड का, ये याद रखिए जरूर, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है ठीक है। हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। प्यूरिन में आता है हमारा एडिनिन ग्वानिन जो हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पाइरिमिडिन्स में हमारा आता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और हमारे तीन बेसेस साइटोसिन थायमिन यूरेसिल ठीक है। बट अगर डीएनए प्रेजेंट हो, बट अगर डीएनए प्रेजेंट हो तो डीएनए के अंदर कौन से चार प्रेजेंट होंगे, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो तो उसमें कौन से चार होंगे, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरेसिल नॉट थायमिन ठीक है, चार ही प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे डीएनए जेनेटिक मटेरियल के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए हो या फिर आरएनए ठीक है। चलिए आपको न्यूक्लियोटाइड का फिगर मैं करवा देता हूं। हमारे पास पेंटोज शुगर भी दो टाइप का होता है, एक होता है राइबोज, एक होता है हमारा डीऑक्सीराइबोज। पेंटोज शुगर हमारा जो सेकंड पॉइंट था, पेंटोज शुगर वो भी हमारे पास दो टाइप का होता है। अगर डीएनए हो, अगर आरएनए हो, डीएनए या फिर आरएनए हो तो डीएनए के अंदर कौन सा शुगर होगा हमारा, डीऑक्सी राइबोज, यहां पर खाली राइबोज होगा आरएनए के अंदर शुगर कौन सा प्रेजेंट होगा, राइबोज शुगर, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ये नोट कर लीजिए आप, डीएनए आरएनए के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड दो टाइप के होते, सॉरी नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, वैसे ही आपको मैंने बेसिस बताए थे, आप आपके बुक्स में नोट्स में प्रॉपरली राइट कीजिए ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर मैंने सबको सबसे पहले आपको बोला था बेस प्रेजेंट होता है, मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड का फिगर पहले निकाल के बताऊंगा, उसके बाद दो, उसके बाद एक चेन निकाल के बताऊंगा, उसके बाद हम निकालेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर ठीक है। ये होता है हमारा बेस,
बेस अटैच होता है हमारे शुगर से। शुगर हमारा इस तरह का होता है, यह हमारा क्या है, पेंटोज शुगर, मतलब पांच कार्बन का शुगर। यहां पर नंबर वन फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है हमारा बेस। बेस अटैच होता है हमारा पेंटोज शुगर से फर्स्ट कार्बन पर। बेस अटैच होता है हमारा पेंटोज शुगर से फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर ये हमारा बेस है। बेस हमारे पास कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं आपको तो पता ही है, ठीक है। अब थोड़ी देर वीडियो और देख लीजिए, छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। फर्स्ट कार्बन को कौन अटैच है, हमारा बेस अटैच है। इसे हम क्या कहते हैं, शुगर प्लस बेस, मैंने आपको बोला था न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इसे। अगर इसके अंदर और एक ग्रुप आ जाए जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, क्या बोलते हैं हम उसे, फॉस्फेट ग्रुप, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ऐसे करके यहां पर आ जाएगा हमारा फिफ्थ कार्बन। ये हमारा फिफ्थ कार्बन। अब यही कार्बन किस चीज से अटैच हो जाएगा, हमारे फॉस्फेट ग्रुप से। यही कार्बन हमारे फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो जाएगा। ऊपर एक हाइड्रोजन है, नीचे एक हाइड्रोजन, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है। ये हमारा है एक न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर तीन चीजें हैं, बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेंटो शुगर जिसके पास पांच कार्बन है, बेस चार टाइप के प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर, कौन से, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए के अंदर बेस ही चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड तो डीएनए भी बना, न्यूक्लियोटाइड क्या बना रहा है, डीएनए को भी बना रहा है, आरएनए को भी बना रहा है, बस बेस एक चेंज हो जाती है, ठीक है। कौन सी, थायमिन के जगह पर यूरेसिल, फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए दो न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब यहां पर फिर से एक बेस निकालने की, ठीक है, यहां पर फिर से एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह से निकालूंगा मैं, यह हमारा रहा है वो शुगर। बेस अटैच हो गए हमारे किससे, पेंटोज शुगर से। अब देखिए बॉन्ड्स, मतलब मैंने आपको बॉन्ड्स लिख के नहीं दिए, बेस जब पेंटोज शुगर से अटैच होता है तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइको, रुकिए यहां पर जगह नहीं हो रही है, एन ग्लाइको, बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है, यह हमारा, ये जो दिख रहा है ना आपको बेस एंड पेंटो शुगर के बीच में। अब देखिए ये बॉन्ड फास्फोरस एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड कई लोग डाईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, वो भी क्यों, वो क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए जब पहला न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैचमेंट करता है यहां पर आता है फास्फोरस, ठीक है। अब ये फास्फोरस आगे की ओर, देखिए फास्फोरस एंड, देखिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जब अटैचमेंट होती है तब 3-5 अटैचमेंट होती है, मतलब ये थर्ड से, ये थर्ड पीछे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है यहां से थर्ड से अटैचमेंट होती है हमारी, ये अटैचमेंट होती है हमारी फास्फोरस से, ये अटैचमेंट किस चीज से होगी, फास्फोरस से। अब यही फास्फोरस आगे जाके इस कार्बन को अटैच होगा, ये कार्बन यहां पर अटैच है, मतलब क्या, ये कार्बन कौन सा हमारा 5-5, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये हमारा फिफ्थ कार्बन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो यहां पर जो दो बॉन्ड बने ईस्टर के, ये पीछे वाला बॉन्ड भी ईस्टर वाला है
आगे वाला बॉन्ड भी ईस्टर वाला है। इसी चीज के वजह से इस बॉन्ड का नाम ही गिर जाता है फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो ईस्टर बॉन्ड करके, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइमर, ये अकेला मोनोमर, दो थे डाइमर। ठीक है, आप ये फिगर नोट डाउन कर लीजिए। अटैचमेंट कैसा हो रहा है, पीछे वाला न्यूक्लियोटाइड 3', आगे वाला न्यूक्लियोटाइड मतलब थर्ड कार्बन से दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जब अटैचमेंट हो रही है तो लिंकेज कौन सा हो रहा है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो दो लिंकेज मतलब इस लिंकेज मतलब ये लिंकेज कैसे फॉर्म हो रहा है, पीछे वाले शुगर को थर्ड कार्बन पर अटैच है, आगे वाले कार्बन को, आगे वाले शुगर को फिफ्थ कार्बन पर अटैच है, ये पॉइंट जरूर लिखना। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या देखेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड ने तो देखा, आपने न्यूक्लियोटाइड देख लिया, न्यूक्लियोटाइड से क्या बना हमारा, डाई न्यूक्लियोटाइड बना। अब डाई न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होकर किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल अच्छे फिगर से समझाऊंगा। देखिए, छोटा फिगर निकालने वाला हूं, यहां पर फॉस्फरस है, फॉस्फरस आगे जाके किसको अटैच हो रहा है, कार्बन को, यही कार्बन किसको अटैच हो रहा है, फोर्थ कार्बन को, ये हमारा फिफ्थ कार्बन है, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा पहला शुगर, एडीनाइन, ये हमारी पहली बेस, एडीनाइन। उसके बाद यही 1, 2, 3, 4, 3 से अटैचमेंट हुई किसकी, फिर से फास्फोरस की। अब यही फास्फोरस किससे अटैचमेंट कर लेगा, यही फास्फोरस किस चीज से अटैचमेंट कर लेगा, आगे से आगे जाके आगे आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन, यही जाके फोर्थ कार्बन पर अटैच हो गया, फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन ने क्या बनाया, फिर से न्यूक्लियोटाइड, थायमिन, 1, 2, 3, 4, ये फिर से फास्फोरस पे अटैच हो जाएगा, आगे वाले, ये फिर से आगे वाले कार्बन, आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन पे अटैच हो जाएगा, यही कार्बन फिर से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन नहीं करेगा, अटैच होगा आगे वाले न्यूक्लियोटाइड से, और ये फिर से फास्फोरस से अटैचमेंट करेगा, फास्फोरस कार्बन से, कार्बन आगे वाले न्यूक्लियोटाइड से, देखिए इस तरह से अटैचमेंट होती है हमारी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन, ये छोटे हो रही है जाते जाते, ऐसा नहीं है कुछ, फिगर मैंने वैसा निकाला है, यही फिगर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसी फिगर का मतलब फिगर नंबर एनसीईआरटी में हमारा है 6.1 एनसीईआरटी में गिवन है, वही फिगर आप देख सकते हो वहाँ पर जाके, कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड अटैच मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्मेशन होती है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड, ए टी जी सी, एडीनाइन, ग्वानिन एक जैसे है मतलब प्यूरिन से,
थायमिन एंड साइटोसिन क्या है, एक जैसे मतलब क्या पायरीमिडिन्स है, ये हमारा डीएनए है, मतलब डीएनए का डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अगर यही हमारी आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती तो थायमिन के जगह पर क्या आती, क्या आता, यूरेसिल आता, यूरेसिल आता, ठीक है। अब आरएनए की जगह यूरेसिल तो आता, बट आरएनए की जगह आरएनए, आरएनए की अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती तो सबसे पहले यूरेसिल तो आता थायमिन की जगह, और हर सेकंड पोजीशन पर, हर एक सेकंड पोजीशन के जगह पर एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। राइबोज शुगर के सेकंड पोजीशन पर हर एक न्यूक्लियोटाइड, हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जितनी लंबी चेन उतने न्यूक्लियोटाइड के शुगर के सेकंड कार्बन पर एक एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए की अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी तो। यहां पर भी और यहां पर भी होगा सेकंड पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड, यहां पर एडिशनल ओएच। अगर ये डीएनए की चेन हो तो इसमें क्या होगा, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो तो इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, और यहां पर भी यूरेसिल की जगह पर थायमिन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए फिफ्थ इंड, इसे बोलते हैं हम फिफ्थ इंड, क्योंकि फिफ्थ कार्बन के पीछे और कुछ मतलब ये फास्फोरस है ही नहीं, अजीम कर रहे हैं। देखिए ये हमारा फाइव डैश इंड है, फाइव डैश इंड पर ये क्या है, फाइव डैश इंड, वो हमारा क्या है थ्री डैश इंड। ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड किसी और अगले न्यूक्लियोटाइड से अटैचमेंट नहीं किया है, मतलब क्या वो थ्री डैश इंड फ्री है और यहाँ पर फाइव डैश इंड फ्री है, ठीक है। यहाँ पर क्या हैज अ फ्री फॉस्फेट मोइटी, और यहाँ पर क्या है थ्री डैश इंड, मतलब थर्ड कार्बन, ठीक है, थर्ड कार्बन फ्री है, मतलब इसके पास क्या हैज अ, इसके पास क्या हैज अ थर्ड कार्बन, मतलब थर्ड कार्बन उसका क्या है फ्री है, हैज अ फ्री ओएच ऑफ थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए फाइव डैश इंड एंड थ्री डैश इंड वाला, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट लिख लीजिए, डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन, उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस चीज से बनी होती है, हमारे न्यूक्लियोटाइड से, मतलब मोनोमर, मोनोमर से डाइमर, डाइमर से पॉलीमर, पॉलीमर मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखिए दो न्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक होते हैं, टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर, टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर किस चीज से लिंक्ड होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में का बॉन्ड कौन सा होता है, किससे कैसे लिंक होते हैं, थ्रू कैसे थ्री डैश टू फाइव डैश कार्बन से अटैच होते हैं, बाय यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाईस्टर, फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज भी बोल सकते हैं, फॉस्फोडाईस्टर लिंकेज होता है टू फॉर्म, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में लिंकेज होने से क्या हो जाता है टू फॉर्म, टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड, आप इस चीज को अच्छे से नोट्स में बनाइए, नोट लिख लीजिए
मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बताया, न्यूक्लियोटाइड किन तीन चीज़ों से बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटो शुगर, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन्स एक पायरिमिडिन। प्यूरिन्स में आते हैं प्योर एज गोल्ड, याद रखने का तरीका, प्योर मतलब प्यूरिन्स, एज मतलब एडिनाइन, जी से गोल्ड, मतलब गोल्ड से ग्वानिन। उसके बाद बचे खुचे पायरिमिडिन में, पायरिमिडिन कौन आता है, थायमिन, साइटोसिन। अगर आरएनए प्रेजेंट हो तो थायमिन के जगह पर क्या आता है, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल का दूसरा नाम, अनदर केमिकल नेम फॉर यूरेसिल, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दे रहा हूं, अनदर केमिकल नेम फॉर थायमिन, थायमिन का दूसरा केमिकल नाम क्या है, क्या है, 5-methyl यूरेसिल। एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट गिवन है, अनदर केमिकल नेम फॉर थायमिन इज 5-methyl यूरेसिल, ये आपको याद करना है। नोट कीजिएगा हमारे आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, हमारे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स मतलब उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले नोट, किस चीज के लिए, आरएनए के लिए, आरएनए के लिए हम नोट बना रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, यूरेसिल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थायमिन, प्लेस ऑफ मैंने आपको क्या बताया था, अगर चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन अगर आरएनए की हो तो उसके उसके शुगर के सेकंड पोजीशन में एडिशनल ओएच ग्रुप मिलेगा, क्या मिलेगा, एडिशनल ओएच ग्रुप मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड मतलब हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है, has additional OH group at second carbon position, कहां पर प्रेजेंट होता है, सेकंड कार्बन के पोजीशन पर क्या होता है, एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड कार्बन पोजीशन ऑन शुगर, कौन सा होता है शुगर का नाम, राइबोज शुगर। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट, अनदर केमिकल नेम फॉर थायमिन इज 5-methyl यूरेसिल। ठीक है, अब हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा फार डाटा गिवन है, वो डाटा आपको जरूर याद करना है, याद करोगे नहीं तो जेनेटिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डाटा में हमारे एनसीईआरटी में यही गिवन था, न्यूक्लियोटाइड आपको पता चल गया, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसे बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड कौन कौन है, न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन आता है, क्या आता है, नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोज शुगर न्यूक्लियोसाइड, और उसमें अगर ऐड हो जाए फॉस्फेट ग्रुप तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड वगैरह देखेंगे, मतलब नंबर देखेंगे थोड़ा सा। बैक्टीरियोफेज, जिसे बोला जाता है 5 × 174, उसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? 5, 3, 5, 3, 5, 3, 8, 6। याद रखिए मैं यहां पर न्यूक्लियोटाइड लिख रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड, यही पॉइंट याद रखना, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है बैक्टीरियोफेज, लैमड़ा, इसके पास। अब न्यूक्लियोटाइड का नंबर हमें याद नहीं करना है, अब हमें नंबर क्या कौन सा याद करना है, हमें नंबर याद करना है बेस पेयर का, बीपी, बीपी यानी बेस पेयर। कितने बेस पेयर होते हैं बैक्टीरियोफेज लैमड़ा के पास? 4, 8, 5, 0, 2। याद कीजिए, लर्न कर लीजिए ये नंबर एनसीईआरटी, ये नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और आपको ये नंबर याद होना चाहिए। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा के पास 4, 8, 5, 0, 2 बेस पेयर होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा, बैक्टीरियोफेज 5 × 174 के पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेस पेयर में डिफरेंस होता है, बेसेस मतलब बेस के पेयर्स में, आपको बताऊंगा बेस पेयर किसे बोलते हैं, ठीक है। और हमारा अब हमारा थर्ड वाला है इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया, इसके पास कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 4.6 × 10⁻⁶ बीपी। हमारे फोर्थ, हमारे हैप्लोइड कंटेंट में, हैप्लोइड कंटेंट एंड सिक्स्थ डिप्लॉइड कंटेंट, ह्यूमन डिप्लॉइड ह्यूमन हैप्लोइड एंड ह्यूमन डिप्लॉइड कंटेंट में कितने, मतलब ह्यूमन के हैप्लोइड सेल में कितने बेस पेयर होते हैं एंड डिप्लॉइड सेल में कितने बेस पेयर होते हैं, ये जरूर याद रखने का। हैप्लोइड मतलब 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर एंड डिप्लॉइड मतलब 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ये डाटा आपको याद करना है, ह्यूमन हैप्लोइड कंटेंट में कितने होते हैं हैप्लोइड 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, ह्यूमन डिप्लॉइड 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर, इकोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, रेस्ट टू पावर 6 है इसमें। हमारे बैक्टीरियोफेज लैम्बडा के पास 4.8502 बेस पेयर होते हैं। बैक्टीरियोफेज जिसे हम बोलते हैं 5 × 174, उसके पास न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? उसके पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं 4.8502। ये सभी डाटा आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, अब हमें साइंटिस्ट के बारे में कुछ लर्न करना है। डीएनए को किन्होंने डिस्कवर किया, मतलब डीएनए ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उनका उसका नाम न्यूक्लियन किसने रखा, क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो? फर्स्ट इन 1869 में एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्चर, मिक्चर नहीं मी फ्रेडरिक मिक्चर, फ्रेडरिक मिक्चर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, वो भी जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर,
क्या बताया? फर्स्टली इन्होंने ये बताया, फर्स्ट आइडेंटिफाइड, इन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाइड क्या किया, DNA इज अ एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है, जो कि प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। एंड इन्होंने उस चीज का नाम रख दिया एंड नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। उसका नाम रख दिया न्यूक्लिन, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, बट देखिए इन्होंने क्या किया, डीएनए एसिडिक सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। उसका नामकरण कर दिया न्यूक्लिन, बोल दिया इन्होंने, फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869 में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ टेक्निकल लिमिटेशन आ गए जिस चीज की वजह से मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इल्यूसिव रह गया कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यू टू टेक्निकल। इस चीज के क्या हो, इस चीज की वजह से क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेंड इलिसिव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वैसा का वैसा ही रह गया डीएनए का स्ट्रक्चर, हम नहीं निकाल पाए क्योंकि टेक्निकल लिमिटेशन नहीं थी, माइक्रोस्कोपी नहीं था। उसके बाद हमारे आए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में इन दोनों का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूं। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन वॉज बॉर्न इन 1928, फ्रांसिस क्रिक वॉज बॉर्न इन 1916, एंड जेम्स वाटसन कंप्लीटेड पी एच डी डिग्री इन 1950s ऑन स्टडिंग एक्सरे ऑफ बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन। फ्रांसिस क्रिक ने उनकी पी एच डी कब कम्प्लीट की, 1954 में, ऑन स्टडिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी मिले थे, नोबेल प्राइज 1962 में मिला था, रिसर्च आरसीपी रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज 1962 में मिला था, लास्कर अवार्ड 1960s में मिला था, एंड जॉन कॉलिन वॉर्नर प्राइज इनको मिला था 1959 में। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, किन्होंने दिया था, जेम्स वाटसन, सॉरी हमारे सेकंड वाले, फर्स्ट तो फ्रांसिस क्रिक हो गए, अब देखें हमारे जेम्स वाटसन। एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, सिंपल बट फेमस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन्होंने क्या किया, अ वेरी फेमस बट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया, किन्होंने, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने, बेस्ड ऑन, किस चीज के बेस पर,
बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, डाटा एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पर इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का। ये डाटा किन्होंने निकाला, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा वाज गिवन बाय मॉरिस, मॉरिस फ्रैंकलिन एंड रोसलैंड फ्रैंकलिन। इन दो साइंटिस्ट ने ये डाटा दिया था, मॉरिस फ्रैंकलिन एंड रोसलैंड फ्रैंकलिन ठीक है। अब ये आप नोट कर लीजिए, जेम्स वाटसन ने, फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, किस चीज के बेस पर दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पर दिया। वही एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किस साइंटिस्ट ने निकाला, किस साइंटिस्ट ने दिया था, मॉरिस फ्रैंकलिन एंड रोसलैंड फ्रैंकलिन ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे थर्ड साइंटिस्ट चारगाफ, इरविन चारगाफ। इनका रूल देखेंगे, चारगाफ का रूल देखिए। हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कितने थे, चार। कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे, एक हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर, एक हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर कौन सा था, डबल रिंग स्ट्रक्चर हमारा प्यूरिन था, मतलब कोन, एडिनिन एंड ग्वानिन। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हमारा कौन सा था, पायरिमिडिन, मतलब कोन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिन ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मतलब बॉन्ड ही बता दिए, एडिनाइन का पेयर मस्ट पेयर विथ, एडिनाइन की जोड़ी ही बता दी, एडिनाइन हमेशा ज्वाइंट करेगा थायमिन के साथ, किसके साथ, थायमिन के साथ। और ग्वानिन मस्ट पेयर विद, इन्होंने ये बता दिया कि ग्वानिन की जोड़, ग्वानिन की जोड़ी क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन। मतलब क्या, एडिनाइन ज्वाइन करेगा थायमिन से बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड हमारा साइटो ग्वानिन साइटोसिन के बीच में होगा बाय थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब क्या, एडिनाइन, देखिए एडिनाइन एंड थायमिन के बीच में, एडिनाइन एंड थायमिन के बीच में एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, एडिनाइन एंड साइटोसिन, एडिनाइन एंड थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह प्रेजेंट हो गए, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में इस तरह तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो गए ठीक है। ये किसने बताया, हमारे चारगाफ रूल ने, मतलब इरविन चारगाफ ने ठीक है, ये साइंटिस्ट ने ये बताया ठीक है। चलिए आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको अब डीएनए का फिगर निकाल के दूंगा, इससे पहले एक आखिरी साइंटिस्ट है उनके बारे में आप पढ़ेंगे ठीक है। आखिरी साइंटिस्ट आपको पता ही होंगे कौन से हैं, आखिरी मतलब ऐसे तो और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हमें लर्न करना है इसी लेसन में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अब हमारे साइंटिस्ट आए फ्रांसिस क्रिक, फोर्थ, फ्रांसिस क्रिक ने क्या बताया, फ्रांसिस क्रिक ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने हमें दिया सेंट्रल डॉग्मा, क्या दिया,
प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा, इन्होंने क्या किया, प्रपोज्ड सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या, सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, INFOR, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, फ्रॉम फ्लोज फ्रॉम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसी फ्लो करती है, देखिए DNA उसके बाद RNA उसके बाद प्रोटीन, मतलब क्या, DNA से बनता है RNA, RNA कोड करता है प्रोटीन के लिए, किसने बताया, फ्रांसिस क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया, सेंट्रल डॉगमा दिया, सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो कैसी करती है, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, RNA कोड करता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। मैं आपको इसका फिगर निकाल के देता हूं, देखिए डीएनए है, अब अगर डीएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्लिकेशन, फर्स्ट प्रोसेस हमारी रिप्लिकेशन, आई होप आप नोट्स बना रहे हो, और डीएनए से फॉर्मेशन होता है हमारे आरएनए का, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर हमारी सेकंड प्रोसेस आएगी ट्रांसक्रिप्शन, और फिर जाके बनेगा आरएनए से प्रोटीन कोड करेगा, आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा, यहां पर हमारी थर्ड प्रोसेस आएगी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, एंड डीएनए से डीएनए बनना इसे हम बोलते हैं रिप्लिकेशन, यही हमारी फिगर है किस चीज की, सेंट्रल डॉगमा, यही तो है हमारा सेंट्रल डॉगमा, किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा दिया, सेंट्रल डॉगमा क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो है कहां से कहां तक, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए ये नोट कर लीजिए आप, अब हमारा लास्ट टॉपिक हम करेंगे, डायरेक्टली हम देखेंगे डीएनए का फिगर निकालेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास चाहिए होती है दो न्यूक्लियोटाइड की चेन, मैंने आपको बोला था डीएनए या फिर आरएनए कैसा बना होता है, डीएनए एंड आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, अब डीएनए कैसा दिखता है आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर लेता हूँ, देखिए आपने देखा होगा डीएनए इस टाइप का होता है, आपके बुक्स में या फिर आप डीएनए इस तरह इस टाइप का देखा होगा आपने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डीएनए इस टाइप का देखा होगा आपने, ठीक है। मैं आपको यहीं पर भी कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख के देता हूँ, देखिए यह हमारे हैं 10 बेस पेयर, कितने हैं 10 बेस पेयर, मतलब ये हमारा एक कंप्लीट टर्न है, मतलब ओ यानी 1 कंप्लीट टर्न, वन कंप्लीट टर्न के अंदर, मतलब एक कंप्लीट टर्न मतलब इसका जो डायमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम, याद रखिए, ठीक है, डायमीटर नहीं इसकी लेंथ। अब इसका डायमीटर मैं आपको बताता हूँ, इसका डायमीटर इतना, डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब देखिए दो बेस पेयर के बीच में के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, दो बेस पेयर के डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन,
टू बेस पेयर, इज 3.4 एम्स्ट्रॉन और 3.4 एम्स्ट्रॉन होगा और कितना होगा 0.34 nm नैनोमीटर, ठीक है। मतलब कितना, इतना एम्स्ट्रॉन, ठीक है, दो बेस पेयर के बीच में का डिस्टेंस। इसका डायमीटर कितना है 20 एम्स्ट्रॉन, लेंथ कितनी है 34 एम्स्ट्रॉन, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 10 बेस पेयर होते एक टर्न में, एक टर्न पूरा कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर होते, कंप्लीट वन कंप्लीट टर्न हैज 10 BP, 10 बेस पेयर। हमारे एनसीईआरटी में सभी डाटा गिवन है, तो आपको ये डाटा लर्न करना होगा, नोट तो कर ही लीजिए। इसके बाद हमारा ये फिगर निकालेंगे हम डीएनए का। ये जो ब्लैक कलर के जो बैकबोन दिख रही है, ये इसे हम कहते हैं बैकबोन, इसे हम कहते हैं स्टेप्स। बीच में हमारे जो है स्टेप्स है, एक लैडर की टाइप दिख नहीं रही आपको, जाके आप गूगल पे सर्च कर कीजिए 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका 3D स्ट्रक्चर दिखेगा, तब आपको ये बीच में का पोर्शन दिखेगा, इसे हम कहते हैं स्टेप्स। एंड साइड के पोर्शन को हम कहते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड के पोर्शन को, इसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन, ठीक है। चलिए रफ कर लाओ, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम निकालेंगे डीएनए का डीप स्ट्रक्चर, मतलब क्या डीएनए का इतना पोर्शन कैसा दिखता है, डीएनए का इतना पोर्शन कैसा दिखता है, इतने पोर्शन की अब इमेज यहां पर हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, शुगर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, शुगर, छोटी डायग्राम निकालने में थोड़ा सा दिक्कत जा रही है मुझे, बट जरूर निकालूंगा। ठीक है, ये हमारे पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर मैंने आपको बताया था यहाँ पर इतने ही पोर्शन का हम निकालेंगे फिगर। अब देखिए पेंटोस शुगर मतलब ये हमारी हो गई बैकबोन। अब पेंटोस शुगर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस, फास्फोरस यहाँ पर आ जाएगा, फास्फोरस यहाँ पर आ जाएगा, फास्फोरस। अब देखिए यहाँ पर नंबर कैसे लिखने हैं, देखिए यहां से देखिए स्टार्ट करते हैं हम, यहां पर 1, 2, 3, 4 यहां से निकलकर फिफ्थ कार्बन,
फिफ्थ ये कार्बन इससे अटैच है, देखिए फोर्थ है। अब यहां से देखिए हमारा ये जो फिफ्थ कार्बन है ये अटैच है हमारे फास्फोरस से, ये हमारे फास्फोरस से अटैच है हमारे फास्फोरस से। अब यही फास्फोरस नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर को कहां से अटैच होता है, फाइव डैश, मतलब ये देखिए ये हमारा फाइव डैश है फिफ्थ कार्बन। अब ये आगे जाके थर्ड कार्बन से अटैचमेंट करेगा, किससे करेगा, थर्ड कार्बन से, वन टू थ्री फोर एंड यहां पर फिर से आएगा हमारा फाइव, वन वन टू थ्री फोर, यहां पर फिर से आएगा हमारा फिफ्थ। देखिए इसे हम बोल, यहाँ पर हमारा कार्बन है, यही कार्बन इससे अटैच हो रहा है, ये यहाँ पर अटैचमेंट करेगा थ्री डैश से, फाइव डैश टू थ्री डैश, ये फिर से थ्री डैश को अटैच करेगा, यहाँ पर हमारा फिर से एक कार्बन होगा, ठीक है, यही कार्बन अटैचमेंट कर लेगा हमारे फास्फोरस, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये हमारी हो गई एक साइड की बैकबोन रेडी। अब इस साइड की बैकबोन हम कैसे रेडी करेंगे, देखिए नंबरिंग कैसे डालनी है, हमारा फर्स्ट कार्बन ये है, ये है, ये है, अब नंबरिंग इस टाइप से जानी है ऊपर तक, वन टू थ्री फोर, यहां पर हमारा आ जाएगा फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ टू थ्री फोर, टू थ्री फोर फिफ्थ। देखिए कार्बन, यही कार्बन इससे अटैच्ड है, यही फास्फोरस फिर से थ्री डैश से अटैच होगा, मतलब क्या फाइव डैश टू थ्री डैश। अब यहां पर फिर से हमारे कार्बन है, ये कार्बन इससे अटैच है फिफ्थ कार्बन है, ये फास्फोरस फिर से थ्री डैश है, और फिर से यहां पर क्या हो जाएगा कार्बन, ये कार्बन फास्फोरस से अटैच्ड है, ये कार्बन किससे अटैच्ड है, फास्फोरस से अटैच्ड है, ठीक है, यही हमारा फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो मैं आपको एक नाम लिख के देता हूँ, इस ये फास्फोरस क्या कर रहा है, ये फास्फोरस क्या कर रहा है, फास्फो फास्फो डाई ईस्टर बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड ये है और ये बॉन्ड ये है, दो बॉन्ड, मतलब एक फास्फोरस दो साइड से दो बॉन्ड बनाता है। देखिए ये फास्फोरस नीचे वाले हिस्से ईस्टर बॉन्ड, ऊपर वाले हिस्से ईस्टर बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, बेसेस है, और हमने हमें क्या बोला, चारगाफ रूल ने, इरविन चारगाफ सर ने क्या बोला, साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला, बेसेस कैसे अटैच होंगे, एडिनिन हमेशा थाइमिन से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से, एडिनिन हमेशा जब थाइमिन से थाइमिन से जॉइंट होता है बॉन्ड बनाता है तब दो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, और साइटोसिन ग्वानिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। तो देखते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स का डिफरेंस निकालते हैं, एंड प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स मतलब आपको पता है सिंगल रिंग एंड डबल रिंग स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर निकालना है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे प्यूरिन्स, इसे बोलेंगे हम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां पर होता है यार, बेसेस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में होता है, कहां पर होता है, पेंटोस शुगर एंड बेस के बीच में होता है। अब यहां पर देखेंगे, अब हम निकालेंगे एडिनाइन का, यह हमारी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, यह हमारी डबल रिंग स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट में आपको बता रहा हूं इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यहां पर फिर से एक रिंग आएगी,
ये हमारी एक रिंग एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इस साइड से भी आ जाएगी बॉन्ड्स, देखिए ये हमारा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पर है, शुगर और बेस के बीच में, ठीक है। डबल रिंग यहाँ पर आप, मैंने डबल रिंग भी निकाली, सिंगल रिंग भी निकाली। आप बोलेंगे आप अल्टरनेट क्यों निकाले, देखिए यहाँ पर सिंगल रिंग, यहाँ पर डबल रिंग, सिंगल रिंग मतलब सिंगल रिंग, सिंगल रिंग, सिंगल रिंग, डबल रिंग, डबल रिंग, डबल, अल्टरनेट क्यों? अरे क्योंकि डायमीटर भी कॉन्स्टेंट रखना होता है डीएनए का। कितना होता है डीएनए का डायमीटर? 20 एमस्ट्रॉन। उसी को कांस्टेंट रखने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट होता है, रिंग का अरेंजमेंट। मतलब एक बेस के अंदर तीन रिंग्स होनी चाहिए, एक बेस के अंदर तीन रिंग होनी चाहिए, तीन ये तीन ये तीन। मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा, 1+2, 2+1, यहाँ पर 1+2, मतलब क्या है रे, एक बेस में तीन रिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एडिनाइन गुआनिन। एडिनाइन गुआनिन क्या है, प्यूरिंस, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। एडिनाइन गुआनिन, हाँ एडिनाइन गुआनिन, यहां पर फिर से गुआनिन, ठीक है। एडिनाइन किससे अटैचमेंट करेगा, एडिनाइन किस चीज से अटैचमेंट करेगा, एडिनाइन करेगा थायमिन से, एडिनाइन करेगा थायमिन के साथ बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे यहाँ पर प्रेजेंट। गुआनिन साइटोसिन के पास, साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। साइटोसिन हमारा क्या है, प्यूरीन है, पायरीमिडिन है, तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा पायरीमिडिन का, पायरीमिडिन। गुआनिन हमारा प्यूरीन है इसलिए डबल रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिर से गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर भी तीन रिंग स्ट्रक्चर, तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, ठीक है। तो अब अभी आपको समझ में आई चुका होगा कि हमारे जो बैकबोन है, बैकबोन वो किस चीज से बनी होती है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, बैकबोन बनी होती है शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर मतलब हमारा डीएनए होगा तो क्या होगा, राइबो डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट ग्रुप। अगर हमारा आरएनए हो तो वहां पर भी शुगर प्लस फॉस्फेट है, बट शुगर का नाम ही चेंज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं राइबोस शुगर, ठीक है। बेसेस कैसे होते हैं, बेसेस का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है 2+1, 1+2, ठीक है, क्योंकि डीएनए का डायमीटर भी कॉन्स्टेंट रखना जरूरी होता है। यह हमारा टी है मतलब थायमिन, थायमिन मतलब क्या, यूरेसिल, अगर यूरेसिल होगा यहाँ पर तो ये आरएनए है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है उस चेन के सेकंड पोजीशन पर एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। थायमिन हमारा क्या है, क्या है, पायरीमिडिन प्यूरिन, प्यूरिन पायरीमिडिन, क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ना, तो कौन सा होगा डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन साइटोसिन पायरीमिडिन। यूरेसिल होगा तो कौन सा होगा, यूरेसिल हमारा क्या है, पायरीमिडिन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। बैकबोन किससे बनी होती है, शुगर प्लस फास्फेट से, और अंदर के स्टेप्स किससे बने होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, अंदर के स्टेप कैसे होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस, बेसेस का अटैचमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें आप और दो बातें याद रख सकते हो, डीएनए किससे बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन,
दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखिए चेन कैसी होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब उल्टी चेन होती है। ये चेन सीधी है तो ये चेन उल्टी है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा 5-2 है, हमारी 3- है। मतलब क्या, यहाँ पर 5- पर फ्री फॉस्फेट मोइटी है, यहाँ पर 3- पर OH, मतलब 3- खुला है कार्बन। यहाँ पर देखिए उल्टा, वहाँ पर 5- है तो यहाँ पर 5- है, मतलब 3 का उल्टा। यहाँ पर 5- तो यहाँ पर कार्बन फ्री है 3-। मतलब क्या, DNA is, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, DNA is made up of two polynucleotide chains, two chain has anti-parallel polarity, ठीक है, दो चेन को anti-parallel polarity होती है, ठीक है। दो चेन आर, टू चेन्स आर कॉइल्ड, मतलब दो चेन कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड मतलब ऐसे हेलिकल फॉर्म में, राइट हैंडेड मैनर में। टू चेन्स पॉइंट में लिखिए, टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नोट करवाता हूँ, देखिए ये हम जिस डीएनए की स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा बी डीएनए है। क्या है, बी डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स घूमता है, हमारा बी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स है। सभी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स से होती है, बट हमारा जो जेड डीएनए है, जेड डीएनए एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है तो जाने दो, छोड़ ही दो, ठीक है। हमारी पढ़ाई किसने की थी, बीडीएनए की, बीडीएनए की पढ़ाई की थी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने। तो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक, पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पैकेजिंग ऑफ, पैकेजिंग पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स कलीग को सेंड कीजिए उनके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। Thanks for watching my video. See you in the next video. Bye.